हेलो गाइस फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ एक कॉमन क्वेश्चन पे जो मुझसे बहुत पार्टिसिपेंट्स पूछते हैं कि सर मिड साइज फर्म और लार्ज फर्म में क्या फर्क है। तो मैं कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे इस क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूँ। सो गाइस, मिड साइज फर्म्स और लार्ज फर्म्स में एक तो नंबर वन क्लाइंट्स के साइज का बहुत फर्क होता है। लार्ज फर्म्स में आपको बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे, लिस्टेड कंपनीज को ऑडिट करने को मिलेगा, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर काम करने को मिलेगा, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो कंसल्टिंग हो, चाहे वो ऑडिट हो। अगर मैं ऑडिट की स्पेसिफिकली बात करूं तो द क्लाइंट साइज इन लार्ज फर्म विल बी वेरी बिग, वेयर एज इन स्मॉल फर्म मिड साइज फर्म क्लाइंट साइज छोटा रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस जो आपका टीम साइज होगा, जो आपकी ऑडिट टीम होगी, उसका साइज भी छोटा रहेगा इन स्मॉल फर्म्स। और आपकी लार्ज फर्म्स में, बड़ी टीम्स में आप काम करोगे, बहुत सारे लोग होंगे आपके साथ, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, बहुत सारे कलीग्स होंगे, द टीम साइज विल बी लार्ज। नंबर थ्री गाइज, जो आपका ऑडिट करने का तरीका होगा स्मॉल फर्म्स में, मिड साइज फर्म में ऑडिट का मतलब मोस्टली होता है खाली वाउचिंग, वेयर एज लार्ज फर्म्स में आप प्रॉपर ऑडिटिंग प्रोसीजर सारे अप्लाई करोगे, लाइक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, लाइक टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक्सेल के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के ऊपर आप अच्छे से काम करोगे। योर प्रोसीजर्स, योर ऑडिटिंग विल बी हाई क्लास इन द लार्ज फर्म, राइट। नंबर फोर, डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी स्मॉल फर्म्स में नाम मात्र की होती है, नेग्लिजिबल होती है, वेयर एज इन द लार्ज फर्म्स द डॉक्यूमेंटेशन विल बी हाई क्लास। आपके जो वर्क पेपर्स होंगे वो एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगे, वो अपने आप बोलेंगे। आप जैसे ही वर्क पेपर्स को पढ़ोगे आप इजीली वहां पे सारी चीजों को समझ पाओगे, चाहे कोई आपके साथ हो वहां पे बैठा हुआ, चाहे ना हो। सो नंबर फोर था आपका डॉक्यूमेंटेशन। और नंबर फाइव है गाइज, लास्टली एक्सपोजर। एक्सपोजर इज वेरी गुड इन द लार्ज फर्म, वेयर एज आपको मिड साइज फर्म में एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको लार्ज फर्म टॉप फर्म में मिलेगा, अगेन बिकॉज ऑफ द क्लाइंट साइज। जो वहां पे लोग होंगे, जो क्लाइंट की टीम होगी, जो वहां पे टॉप एग्जीक्यूटिव होंगे क्लाइंट्स के, उनके साथ बात करने में जो मजा आएगा, वो एक्सपोजर, वो एक्सपीरियंस शायद आपको मिड साइज फर्म्स में ना मिले। इसलिए मेरी तो हमेशा यही मोटिवेशन रहती है टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू ट्राई एंड स्टार्ट देयर करियर्स फ्रॉम द टॉप फर्म्स, फ्रॉम द बेस्ट प्लेसेस, फ्रॉम द टॉप ब्रांड्स, ताकि आपको अपनी अर्ली एज में, जैसे ही आप अपना करियर शुरू कर रहे हो, आपको बेस्ट एक्सपोजर मिल जाए, चाहे पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ एनी प्रोफेशनल कोर्स, चाहे आप खाली एक ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद अपना परस्यू कर रहे हैं करियर, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद बहुत अच्छा एक्सपोजर मिले, चाहे आप आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं। एट एनी स्टेज ऑफ योर करियर यू शुड ट्राई टू स्टार्ट योर करियर फ्रॉम द बेस्ट फर्म, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।